उपचुनाव जीत पर भाजपा ने जलाए दीप। ग्वालियर में भी मना जश्न, बांटी मिठाइयां। जिलाध्यक्ष बोले, मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व से हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा हटाने वाले अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। मध्य प्रदेश पाटीदार समाज ने प्रशासन को ज्ञापन दिया। दीदी पर भड़के विजयवर्गीय, कहा तलवार के दम पर इस्लाम देश में आया। ममता उसी तर्ज पर बीजेपी नेताओं को टीएमसी में ला रही। भोपाल में कमर्शियल लाइसेंस शुल्क की नई व्यवस्था, 250 तरह के शुल्क की बजाय अब सड़कों के हिसाब से 3 प्रकार के दरें लगेंगी। स्ट्रीट वेंडर्स को छूट। शिवपुरी के पिछोर में किसानों ने किया हंगामा, पेमेंट नहीं हुई तो किसानों ने घेरा बैंक, लगाया जाम, 3 घंटे तक बाधित रहा यातायात। राजनारायण सिंह का विरोधियों का संकेत, बोले कांग्रेस को मजबूत करने बिल्कुल 100% लड़ूंगा 2024 का चुनाव। भोपाल में 24 घंटे में डेंगू के 6 नए केस, 600 के पार पहुंची संख्या, अब तक सबसे ज्यादा सितंबर माह में 268 मरीज मिले। धनतेरस पर बाजार में रही रौनक, रायसन बाजार में आभूषण और बर्तन की सबसे ज्यादा हुई बिक्री। भोपाल से रायपुर फ्लाइट शुरू, 61 यात्री आए, 56 गए, जल्दी रीवा के लिए भी शुरू होगी फ्लाइट। सर्द हवाओं से बढ़ी ठंड, रात का तापमान गिरकर 13 डिग्री पर, एक हफ्ते तक ऐसे ही रहेंगे ठंड के तेवर।